दीपा जी आप बैठ करके बोलिए, मुझे लगता है आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है, आप बैठ करके बोलिए। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना सुन लिया और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाइयाँ 1,500 की आती हैं। तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने मेरे पैसे बचाए हैं। जी हाँ, मैं यह पंक्ति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिलहाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी अधिक वायरल हो रहा है। यह बड़ा ही भावुक कर देने वाला वीडियो है। इस वीडियो को देखकर आप भावुक हो सकते हैं, आपके अंदर एक अलग भाव जग सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीएम नरेंद्र मोदी की वह वीडियो की, उस वर्चुअल मीटिंग की, जिस वर्चुअल मीटिंग में नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत की चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ वह वर्चुअल मीट में लोगों से मिल रहे हैं। पहले आप ये भावुक कर देने वाला वीडियो देखिए। नमस्ते जी, अब मेरा नाम दीपा शाह है। दीपा जी आप बैठ करके बोलिए, मुझे लगता है आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है, आप बैठ करके बोलिए, बैठ करके बोलिए। हाँ, हाँ बताइए दीपा जी। मोदी जी, मेरे को 2011 में पैरालाइज पड़ा था, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा हाथों में इलाज चलता था, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी विकलांग है, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना सुन लिया और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाइयाँ 1,500 की आती हैं, तो 3,000 मुझे मिलता है, उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परेशान मैं और बात भी कहना चाहती हूँ आपको। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी से मैं ठीक हो गई हूँ। पर मुझे फिर कहती हूँ, मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने आपको देखा तो ईश्वर के मूल रूप में देखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। तो आपने देखा कि इस भावुक कर देने वाले वीडियो में किस तरह नरेंद्र मोदी एक महिला से बात कर रहे हैं और यह महिला नरेंद्र मोदी को अपने दिल की बात बता रही है, अपना उन्होंने उसने जो फील किया है, उसने जो महसूस किया है वह बताते हुए नजर आ रही है। वो महिला बता रही है कि कैसे उसे आयुष्मान भारत से मदद मिली है, आयुष्मान भारत से उसे लाभ मिल रहा है। जैसा कि वह महिला कह रही है कि पहले जो है 2011 में मुझे पैरालिसिस मारा था और पैरालिसिस के तहत मैं अधिक कमजोर हो गई थी, बोल भी नहीं पा रही थी, ना बोलती थी ना चलती फिरती थी, बेड पर बस पड़ी रहती थी। पर उस समय जो दवाइयाँ मिलती थी वह काफ़ी महंगी होती थी और उन महंगी दवाइयों को लेकर मुझे दवाइयाँ, मैं वह महंगी दवाइयाँ सेवन करती थी जिसके बाद मैं धीरे धीरे स्वस्थ होते गई। पर महंगी दवाइयों के बारे में उस महिला ने कहा है कि जब बाद में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो आयुष्मान भारत योजना के तहत उसे जो 5,000 की दवाइयाँ मिलती थी वह जाकर अब 1,500 रुपये में मिलने लगी हैं। साथ ही साथ वह महिला इस बात को कहकर अत्यंत भावुक हो रही है और वह कह रही है कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, पर पीएम नरेंद्र मोदी के रूप में मुझे भगवान मिले हैं और इस भगवान को मैं हमेशा पूजूंगी। साथ ही साथ वह महिला यह कहकर रोने भी लग रही है। यह वीडियो काफ़ी भावुक है। वह महिला यह भी कहते हुए नजर आ रही है कि जिस दवाई को मैं 5,000 रुपये में लेती थी अब वह दवाई मुझे 1,500 रुपये में मिल जा रहा है और अब 3,000 3,350 रुपये मेरे पास जो बच रहे हैं
उससे मैं अपने घर के सामान लाती हूँ, फल लाती हूँ, सब्जियाँ लाती हूँ, साथ साथ फल का सेवन भी करती हूँ, जिससे मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ और अब मैं चल फिर भी रही हूँ, साथ ही साथ अच्छे से बोल भी रही हूँ। तो यह वीडियो जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी अधिक वायरल है और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी भावुक हो जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए पीएम मोदी चुप हो जा रहे हैं और भावुक होकर उस महिला की बात सुनते हैं। साथ ही साथ यह वीडियो है अब सोशल मीडिया पर लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, लोग इसे शेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको भी यह वीडियो, आशा है कि आपको भी यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पीएम मोदी का वीडियो पसंद आया हो और आयुष्मान भारत का लाभ आपको कितना मिल रहा है आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।